तो आप लोगों ने टाइटल जब पढ़ के देख ही लिया होगा, हम आए खंडाला में सबसे मोस्ट प्रीमियम और लग्जरियस स्टे, जहाँ पे आप लोग व्यू देख सकते हो। उनका जो थीम है ना, स्विट्जरलैंड वाला थीम है। आप लोग ऊपर देखो एकदम क्या टाइप का फोर्टिस टाइप का बनाया, और आपका जो भी है ना ये व्यू, मैं अगर आप एक दिन रहोगे ना तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो चलिए आज टीम बॉम्बे फूडी टेस्ट गया, हम चलते हैं 360 साउथ में, यहाँ पे हम स्टेकेशन करेंगे और आपको मैं हर एक रूम के बारे में हर एक चीज के बारे में बताऊंगा है कैसा बेसिकली। अच्छा अपने सबसे पहले तो आप लोग व्यू देख लो, ये इधर का ऐसा व्यू है और हम इस वक्त खड़े हैं फर्स्ट फ्लोर। ऐसे टोटल बहुत सारे रूम है, अगर आपको प्रॉपर व्यू चाहिए ना खंडाला का तो आपको सबसे ऊपर वाला रूम लेना पड़ेगा, सबसे ऊपर वाला। और लकीली मुझे वही रूम मिला है, तो वही रूम मिला है, तो उससे मैं आपको पूरा रूम का व्यू दिखाऊंगा, सुबह का भी दिखाऊंगा, रात का भी दिखाऊंगा। अपने में ये ट्रैक है क्योंकि आपको थोड़ा ट्रैकिंग साइड पे है, ऐसे जाना पड़ेगा ऊपर, और जाते जाते आप लोग को ट्रैक करने आया हूँ। मैं आप लोग को अपने रूम से सनसेट भी दिखाऊंगा इसके साथ में, एकदम कोने वाला रूम है, मैं जाऊंगा वहाँ पे आपको सनसेट दिखाऊंगा। ये पूरा कॉटेज सिस्टम जैसा रूम है। आ जाओ अंदर मेरे रूम में, आ जाओ, रूम का टूर आपको दिखाता हूँ कैसा है मेरा रूम। सो बेसिकली इस रूम में मैं रह चुका हूँ, अभी आ रहा था। तो ये रूम है आपका, ये बेड है फुल्ली, आपको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए तो ब्लैंकेट मिल जाएगा, और यहाँ पे बेड कम ये है, बेड कम सोफा कम बेड है, और ये आपका सोफा है। तो एक रूम में मेरे हिसाब से 3 से 4 लोग आराम से रह सकते। और आपको जो मेन खासियत इसका बताना चाहूंगा ना मैं, ये है, आइए सर, एसी भी है, टीवी भी है, और क्या भी चाहिए आपको। और ये है इसका मेन व्यू, सारे पैसे एसी के हैं आपके लिए। ये देखिए यहाँ से आपको खंडाला एक्सप्रेस हाईवे जो है वो भी पूरा दिख जाएगा, ये पूरा खंडाला एक्सप्रेस हाईवे। और यहाँ से आप सुबह उठिए, सुबह ऐसा व्यू रहेगा नज़ारा। और मैं आपको एक और चीज़ का व्यू दिखाता हूँ, आपने रूम टूर तो मैंने देख ही लिया, अब ये इधर खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए हल्का हल्का खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। यहाँ से भी सेम व्यू है, मतलब आप जब बेड पे बैठेंगे ना तो आपको यही पूरा व्यू देखेगा, पूरा लोनावाला खंडाला की सिटी एक्सप्लोर आप कर सकते हैं यहीं पे। देखे देखे यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे भी दिख रहा है, टीवी है आपके पास, बेड है, कबर्ट है, फ्रिज है, अंदर लॉकर फैसिलिटी भी दिया है, और ये वॉशरूम है, गर्म पानी ठंडा पानी जिससे नहाना है उससे नहा लो। अब हम चलते हैं लंच की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रॉपर्टी के बारे में, इंट्रोडक्शन बता दिया, अपना रूम भी दिखा दिया। अब बात आती है लंच की, लंच आप पहुंच जाओ 2 बजे का चेकिंग मारते हो ना, तो लंच आपको 3 बजे तक अप्रॉक्सिमेटली मतलब आते ही लंच कर लो। सबसे पहले लंच करने के बाद आपको 2 ऑप्शन है, एक तो नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर रूफ टॉप है, वो भी क्या व्यू मिलेगा, आ जाओ दिखाता हूँ व्यू भाई। व्यू आपको पूरा माउंटेन का जैसा रहेगा, और अगर ऐसा टाइम है तो भाई फिर और किसको खाना नहीं खाना है, एक बार आप देख लो आगे व्यू, व्यू पे फोकस करते हैं। हमारा व्यू खाना आने लग गया है धीरे धीरे, आप लोग देख सकते हो मैंने स्टार्टर, और ये रेस्टोरेंट प्योर वेज है, कस्टमाइज फूड चाहिए तो कस्टमाइज फूड भी मिल जाएगा आपको। और आप लोग व्यू देखो, ये क्या व्यू है, इसी के लिए तो भाई हर चीज इसी का पैसा है, ये व्यू लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और फैंटास्टिक प्लेस है, आप लोग एक बार ऊपर भी रूम्स की तरफ देख लो, ये है सारे रूम, और रूम्स आर लाइक कॉटेज टाइप। तो लेट्स हैव नाउ लंच एंड देखते हैं इनका खाना कैसा है। सो आप लोग देख सकते हो पीछे मेरे क्या व्यू, और मैं यहाँ पे रूफ टॉप में बैठ के खाना खा रहा हूँ। मैंने तो भी सोचा है डिनर में हैवी खाना मंगाऊंगा, अभी तो मैं लाइट पिज्जा और ये फास्ट फूड टाइप का मंगा ले रहा हूँ, पास्ता पिज्जा। यहाँ पे है ना जो भी आपको कस्टमाइज कराना है, किसी को कांदा लहसुन नहीं खाना तो कांदा लहसुन, और प्योर वेज है। अभी लंच में तो मैंने पिज्जा पास्ता ये सब मंगाया है, लंच में बढ़िया है। आप लोग पैकेट में बात कर सकते हो उनसे कैसे इंक्लूड, मैं डिटेल डाल दूंगा। अब मैं बाकी का आपको व्यू दिखाता हूँ। आप लोग को रूफ टॉप पे नहीं खाना था तो अंदर फुल रेस्टोरेंट टाइप का भी है खाना, आप लोग खा सकते हो, आप लोग देखोगे। अगर आप लोग को कुछ मसाज सर्विस या स्पा सिस्टम सर्विस चाहिए हो तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसका, करवा सकते हो आप यहाँ पे। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गेमिंग सेक्टर भी बनाया है टेबल टेनिस के लिए, ये टाइप की गेम्स है, कैरम्स भी हैं, और भी अलग अलग तरह के गेम्स है, आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। साथ साथ में आपको ऐसा व्यू रहेगा। तो आप लोग को अगर इवनिंग मेन्यू चाहिए हो, इवनिंग में आपको भजिया खाना हो, गर्मा गर्म मैगी खानी हो व्यू के साथ यहाँ पे बैठ के, तो आप लोग इवनिंग ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे लंच के टाइम हमने ऑलरेडी लंच कर लिया था, फिर इवनिंग स्नैक्स भी कर लिया था, इवनिंग स्नैक्स के बाद हम थोड़ा चिलिंग के लिए रूम में चले गए रिलैक्स होने, और इवनिंग का व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया रात को कैसा दिखता है। तो डिनर के टाइम हम आ गए हैं, और देखिए खाने में क्या, मैंने हल्का मंगाया दाल खिचड़ी क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से है, क्योंकि फ्रेश होगा इधर, और सब्जी है, पनीर मखनी और नान। वैसे मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, मैं ट्राई करना चाहता हूँ दाल की चीज़ स्पेशली मेरे लिए।
फूड का टेस्ट बहुत बढ़िया है, आपको कस्टमाइज करवाना तो आप करवा सकते हो। खाने के बाद अगर आपको डेजर्ट खाना हो ना, आप बोलोगे खाना खाने के पहले से आवाज़ बहुत स्लो थी, बताओ खाना खा लिया हो ना तो मेरे को ताकत आ चुकी है, तो अब मैं डेजर्ट के लिए चिल्लाने वाला हूँ। अगर डेजर्ट खाना हो ना आपको तो आप क्या ऑप्शन रहेगा, डेजर्ट भी खाने का ले सकते हो। ये डेजर्ट, ये वाला डेजर्ट है ना, तीन लोग खा सकते हैं क्योंकि तीन गुलाब जामुन सिंपल कॉन्सेप्ट है, और मैं ट्राई करता हूँ, ये कुछ अलग लगा मुझे। बेसिकली पेस्ट्री है मेरे लिए, आपके लिए कुछ अलग टेस्ट हो सकता है। तो अभी मैं अपना ये वाला डे वन एट 360 रिसोर्ट 360 साउथ मैं एंड करता हूँ। आप सुबह मिलेंगे आपके साथ। बहुत ज़्यादा दिन का व्यू देख लिया ना, आप लोग इसका एक बार नाइट व्यू देखो। ये है, इसका ब्लर हो गया, थोड़ा फोकस करता हूँ मैं। ये इसका नाइट व्यू है, मतलब दूर से देखोगे तो काफ़ी ही बढ़िया लगता है प्रॉपर्टी। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और व्यू देख लो यहाँ का। मॉर्निंग एवरीवन, द नेक्स्ट डे वी स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट इन पूल। आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग, कल हमने पूरा डे का शेड्यूल आपको बता दिया, लंच कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप जैसे दो बजे चेक इन मारोगे तो दो से आप रूम सेटअप करोगे, फिर 3:30-4 बजे आप खाना खाओगे, फिर 5-6 बजे से आप इवनिंग स्नैक करोगे 6 से 7:30 तक, फिर उसके बाद थोड़ा भी थोड़ा बहुत टाइम पास अपने फ्रेंड के साथ करोगे, फिर आपका दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बताता हूँ, डिनर के बाद दिन खत्म होगा, उसके बाद आपका ये बेस्ट पार्ट आता है मॉर्निंग में स्विमिंग। स्विमिंग में आप लोग देख सकते हो आपको ब्रेकफास्ट अंदर मिल जाएगा अगर आपकी डिमांड है तो। देखेंगे कितना ठंडा पानी है, खंडाला जैसी एरिया में, सामने बादल जहाँ बन रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हम पानी में जा रहे हैं और ठंडा ज़्यादा मैं डूब लेता हूँ। परफेक्ट है। तो मेरे पास ब्रेकफास्ट में क्या क्या दिया है इन्होंने, सैंडविचेस है, फ्रूट्स है, केलॉग्स है, पैनकेक्स है। तो आप लोग देख सकते हो ब्रेकफास्ट में हमने स्विमिंग पूल में लिया, और नज़ारा पीछे है, ये नज़ारे के साथ हम करेंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग 10 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने का इसके बाद चेकआउट भी माना है, तो ब्रेकफास्ट फटफट कर लेते हैं। हमें दिया है सैंडविच, ये दिया है ब्रेस्ट टोस्ट सैंडविच, ये ब्रेड है, यहाँ पैनकेक है, केलॉग्स है, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉर्नविटा चॉकलेट शेक भी दिया है। लेट्स टेस्ट, मज़ा आ गया, तो बॉर्नविटा जैसा डेरी जैसा आ रहा है। तो आपको भी एक बार ब्रेकफास्ट वाला एक्सपीरियंस लेना है ना तो 360 साउथ खंडाला में बुक कीजिए, इसका एक्स्ट्रा चार्जेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा, आप कनेक्ट कीजिए उनके साथ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। सो ये रहा मेरा पूरा दिन, आपको बता दिया 360 साउथ पर अगर आप रह रहे तो आपका कैसा दिन रहेगा, मैंने पूरा का पूरा आपको शेड्यूल बता दिया। आपका 2 बजे चेक इन मारोगे, 11 बजे आपको चेकआउट मारना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा ये प्रॉपर्टी कमेंट में मुझे बताना, मैं तो जब मार रहा हूँ चेकआउट। तो अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको जाना हो अपने दोस्तों के साथ तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दिए हैं, हमें फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे इसका डिटेल रील आ जाएगा। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।